हेलो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज का तारीख है 8 सितंबर और दिन है गुरुवार का, और करीबन देखिए यहाँ 4 बज रहे हैं। हम लोग अभी जो है ना इस वक्त मॉल में है, और आज है मेरी छोटी बिटिया का जन्मदिन, बस उसी की तैयारी में यहाँ लगे हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, तो अभी जो है ना सुबह से ही हम लोग निकलने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन बहुत ही मौसम बिगड़ा हुआ था जिसके कारण हम सभी बहुत लेट से निकले हैं। और आज इसके डैडी भी आए हैं और काफ़ी टाइम के बाद आए थे, और अभी जो है ना एक दिन बिफोर ही आने वाले थे, लेकिन ये किसी कारणवश से लेट हो गए और इसी दिन के टाइम में पहुँचे। तो 8 सितंबर को पहुँचने की वजह से ये जो है ना सब चीज़ हमारा लेट हो गया, नहीं तो ये सब चीज़ों को मैं बिफोर ले लेती हूँ। और बर्थडे के ही दिन हम क्या करते हैं ना, सिर्फ केक वगैरह ही मंगाते हैं, तो बच्चों की ये सब खरीदारी हमें एक साथ एक ही दिन में करनी पड़ गई है। और ये देखिएगा, तो आज जो है ना मॉल में बहुत ही तीज के बाद से ही यहाँ लोकल मार्केट के जो है ना मॉल में बहुत सारे ऑफर चल रहे थे, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा समय तो मॉल में नहीं दे पाई थी, जिसके कारण हम जल्दी जल्दी में ही बच्चों के ही कपड़े सिर्फ लिए। और उसके बाद क्या था ना, हम मार्केट से वहाँ से निकलने के बाद हम लोग केक के दुकान में चले गए थे, वहाँ पे मैंने सजावट के भी सामान ले लिए थे, क्योंकि जो है ना सजावट का सामान तो लेना ही था, क्योंकि बच्चों को जब तक डेकोरेशन नहीं किया जाए तो फिर बच्चे को मन नहीं लगता है। तो मैंने बहुत ही जल्दी जल्दी में 6 से 7 बज गए थे, और करीबन आधे घंटे में मैंने इतना कुछ डेकोरेट कर लिया था। और ये देखिए, ये जो सिंगल बेड आप देख रहे हैं ना, तो ये एक साइड में मेरा लगा रहता था, तो इसको मैंने साइड से लगा दिया है, और बस यहाँ के ही मैंने सामने वाली दीवार में ही डेकोरेट कर लिया है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आज डेकोरेट किया और बच्चों को काफ़ी पसंद आया था। और इसके बाद फिर मैंने जो है ना खुद को भी तैयार कर लिया था, और यहाँ पे बच्चों को भी मैंने तैयार कर दिया था, तो काफ़ी जो है ना ये इसे पसंद आया था ये वाला ड्रेस, तो मॉल में इसने यही पसंद किया है। और मैंने छोटी अपनी, तो अभी जो है ना मैंने बड़ी वाली बेटी के लिए भी कपड़े लिए थे, और छोटी गुड़िया के लिए भी मैंने कपड़े ले लिए थे, क्योंकि तीनों ही को क्या होता है ना, बर्थडे के दिन किसी का भी रहे लेकिन कपड़ा तीनों मतलब न्यू ही पहनेंगे, ये मतलब इन तीनों का ही रूल्स है। अगर इसको मैं भंग कर दूँ तो फिर मतलब माहौल गर्मा गर्मी हो जाएगी, तो बस कपड़े मैंने सभी को पहना दिए थे। और यहाँ जो है ना अभी जो दुकान में मैं केक लेने गई थी, तो मैंने यहाँ पे 2 केक की पैकिंग कराई थी, क्योंकि मुझे जितना चाहिए था ना उतना मतलब एक सिंगल केक में नहीं उतनी बिग साइज़ में मुझे मिल रही थी, तो मैंने यहाँ पे एक जो है ना 2 पौन की ले ली थी, और यहाँ पे एक मैंने छोटे में 1 पौन का रखा था, ये देखिएगा। और इसमें मैंने अपनी बिटिया रानी का नाम भी लिखवा दिया है, पोसू, क्योंकि उसे प्यार से घर में सभी कोई पोसू ही बोलते हैं। और मम्मी भी तैयार हो गई थी, और अभी देखिए ये मैं केक को पहले निकाल लेती हूँ। तो ये देखिएगा, इस तरफ से भी मैं क्या कर रही हूँ, छोटे वाले केक को भी मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, ताकि क्या है ना ये एक ही साथ मतलब केक को कट कर लेगी। तो हम तो बस ऐसे ही सिंपल तरीके से ही बच्चों के मतलब बर्थ को सेलिब्रेट करते हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, घर के ही जो मेंबर होते हैं बस उन्हीं के साथ खुशियों को मतलब सेलिब्रेट करती हूँ। बस इसी तरीके से मैं हमेशा से ही मतलब रहती आई हूँ कहिए तो। और यहाँ देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं ना, अपने फ़ोटो शूट कर रहे हैं, तो मेरी बड़ी बेटी फ़ोटो ले रही है युवांगी, और इन दोनों बच्चों की देखिए कैसे मस्ती चल रही है, और ऐसे ही इन दोनों की नटखट और बदमाशियाँ होती रहती है। तो अभी जो साइड की दीवार से मैंने जो बैलून को चिपकाया हुआ था ना, तो वो एक एक करके फूटे जा रहे थे, पता नहीं इसमें कौन सी रीज़न आ गई थी, तो मैं एक एक करके चिपकाई जा रही थी, दूसरे साइड से ये फूटे जा रहे थे, तो मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। और बच्चे बोल रहे थे चलो माँ जल्दी से हम बर्थडे का पहले केक कट कर लेते, नहीं तो सारे बलून हमारे फूट जाएंगे। तो मैं बस वही बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं, मैं दोबारा से इसे मतलब फुला के चिपका लूँगी। फिर मैंने घर के सभी मेम्बर को बस बुला लिया था, जो भी थी मेरी आंटी थी या मेरी भाभी भी सब भी थी,
तो सभी कोई आए थे, और ये देखिए ये मेरी सिस्टर सभी है, तो सभी को मैंने बुला लिया था। और थोड़ा टाइम और लगने वाला था क्योंकि इसके डैडी फिर मार्केट चले गए थे, क्योंकि और यहाँ पे देखिए क्या है ना, मेरी भाभी एक साइड से मीठे में बना रही है खीर, और आज बस ये पहले खीर को तैयार कर लेंगे, क्योंकि खीर क्या है ना, थोड़ा सा आप कोल्ड होने के बाद खाते हो ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने भाभी ने बोला कि पहले खीर बना लेते हैं उसके बाद केक भी कट कर लेंगे। तो भाभी भी तैयार हो गई थी, और अभी जो है केक काट लेते हैं बच्चों के। देखिए यहाँ सभी बच्चे घर के मौजूद हो गए हैं, और हमारे घर के ही मेंबर हैं सभी। और यहाँ पे देखिए तो ये मेरी सिस्टर है, और अभी ये क्या है ना, कैंडल को जला दी है। तो मैं सोच रही थी जब केक की दुकान में थी ना, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे नंबर वाले कैंडल को लूँ या फिर ये सिंगल वाले कैंडल को लूँ, तो मैंने सिंगल वाले ही कैंडल को लिया था। और यहाँ पे ये देखिए इसने केक को काट लिया है, और बस मैं यहाँ पे केक को सर्व कर दूँगी, सभी कोई खा लेगा। फिर रात का करीबन अभी जो है ना, यहाँ पे 9:30 बज चुके हैं, और बहुत लेट हो चुका था, और बच्चे भी देखिए क्या ना रोने लगे थे। तो बस ये बच्चों की चीज़ है, तो बच्चे सेलिब्रेट करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी जो है हमारे घर के जितने भी बड़े मेंबर थे ना, सभी ने यहाँ पे हल्दी और ये दही का टिक्का लगा दिया था, इनको ढेर सारा आशीर्वाद मिल गया था। तो इस तरीके से ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपने बच्चों के बर्थडे को, और अच्छा लगता है जब हम सिंपल तरीके से ही मनाएं, लेकिन घर के सभी मेंबर खुश हों, बच्चे खुश हों, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर मामा बस इसके देखे यहाँ पर, और इस ये इन दोनों की मस्ती भी बहुत चलती है। और अभी जो है ना, टीका लगाने के साथ इसने केक भी लगा दिया है, और यहाँ साथ साथ में इसकी मस्ती आप देख लो कितनी ज़्यादा खुश है। और ये साइड से क्या कर रही है अभी देखिए, दूसरे वाले जो केक है ना, ये उसको खा रही है, उसके क्रीम को निकाल के खा रही है। तो इसे केक बहुत पसंद है, इसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है कि ये केक का वेट नहीं कर पा रही है। ये कभी से बोल रही थी कि मेरे को खाना है, तो बस खाना है। तो सभी ने यहाँ पे चंदन और टीके लगा दिए हैं, ये देखिएगा।
इसके बाद हमारा देखिए ये किचन का काम हो गया स्टार्ट। और खीर तो हम लोगों ने पहले ही बना ली थी और सभी को जो है ना यहाँ पे बस अभी पहले मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ और यहाँ भाभी एक तरफ रोटी बेल रही है, तो मैंने पहले सोचा कि कचौड़ी तैयार कर लेते हैं, पर यहाँ पे किसी को भी जो है ना रात में कचौड़ी वगैरह पसंद नहीं आते हैं और घर में भी कोई खाना उतना खास पसंद नहीं करता है, तो इसके लिए ही सिंपल सादी वाली रोटी ही तैयार किए हैं। और मैं यह एक साइड से यहाँ पे शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी मैं तैयार करूँगी। तो किचन का काम मैं अभी इतना लेट में स्टार्ट कर रही हूँ और खाने में भी काफ़ी टाइम आज हो गया था, तो फटाफट से मैं इन सारे काम को निपटा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले लेना।